मिलियन मिलजुल करके लड़ेंगे तो हमको कांग्रेस के नेता लोगों से भी सब सब कही दिए, अभी तो बहुत अच्छा यात्रा हो गया, तो यात्रा तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन अब इसके आगे थोड़ा सोच लीजिए, हम तो उसी के लिए इंतजार कर रहे हैं। जब तक हम तो जाकर दोनों को कही दिए हैं, हम कह दिए हैं कि भाई सोच लीजिए आगे तो जो कहिएगा, अब बाकी अन्य पार्टियों का फोन आ रहा है, सब लोग कह रहे हैं कि बाकी लोगों का सबका मीटिंग कीजिए, सब बैठिए, तब जान लीजिए हम वेट कर रहे हैं खाली। अब आप लोग जितना जल्दी, हम इसीलिए हम वेट कर रहे हैं। देखो बाकी और पार्टियां थी, बहुत सारी पार्टियां एकजुट होने के लिए तैयार बैठी हुई है, लेकिन अब आप सोचिए, हम तो चाहते हैं कि भाई अधिक से अधिक लोग एकजुट हो जाए, ताजा पाए हुए हैं, ताकि के माध्यम से आपके पार्टी के नेतृत्व को हम अनुरोध करेंगे कि जल्दी से जल्दी फैसला करिए और हम लोगों को बुला करके बात कर लीजिए कि कहां कहां और किनके किनके साथ एकजुट होकर के अगला चुनाव लड़ना है, ये जिस दिन फैसला कर लीजिएगा और उसी दिन हम सब लोग एकजुट हो जाएंगे, हम मिल करके लड़ेंगे, तब जान लीजिए आप अच्छी तरह से मुक्ति हो जाएगी। और अगर आप लोग ठीक से सोच करके चलिएगा जो हम कह रहे हैं शुरू से, हम इंतजार कर रहे हैं, अगर मेरा सुझौवा को अगर मान लीजिएगा तो इस गांव के नीचे जाएंगे, जान लीजिए, अब मेरा बच्चा नहीं मानिएगा तो क्या होगा, आप जानिए, आप लोग जानिए, हमको बाकी सबका तो यही कहते हैं कि जल्दी से जल्दी फैसला करें। हम जो जाके विभिन्न पार्टियों को भी हमने कहा कि भाई अलग अलग मत, तो उन लोग भी बात किया था, कुछ बातें नहीं हुई है, अब तो सब फिर बात करना चाह रहे हैं, तो कृपा करके कहेंगे कि कोई अगर आप लोग इस बार ये सोच लीजिएगा पूरे देश के हित में, तो आपको भी फायदा होगा और देश को भी फायदा होगा। रखती है तो हम लोग को अपने बिहार में जो भी काम कर रहे हैं कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों का मकसद है, अभी तो बता ही रहे थे भाकपा माले के महासचिव महोदय अपना भाषण दे रहे थे, और जो हालत देश का हो गया है, अब बुरा हाल है, तो हम तो अलग हो गए और सब लोगों ने स्वागत किया, पूरे देश के विभिन्न जगहों से अन्य पार्टियों ने कहा कि बहुत ठीक किए और हमारी सब लोगों से बातचीत हुई और यही तय हुआ कि अधिक से अधिक पार्टियां एकजुट होकर के और अगला चुनाव जो होने वाला है 24 में लोकसभा का, अगर मिलकर के हम लोग लड़ेंगे तो इन लोगों से मुक्ति होगी और बिहार पूरे देश सुरक्षित होगा। आज क्या हो रहा है साहब, देख रहे हैं आजादी की लड़ाई को भी भुलाने का सब काम शुरू किया गया है। आज जिनको आजादी की लड़ाई से मतलब नहीं था, वो लोग नया नया इतिहास पैदा करना चाह रहे हैं, हर चीज को बदलना चाह रहे हैं, और जो चीज चल रही है देख रहे हैं, कोई काम तो होता नहीं, और जो नई नई है, नए नए हिसाब से और नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से काम कुछ नहीं करते, अप्रशंसा अपनी, और यहां पर जो सब कुछ हो रहा है बताइए, और जिस तरह से आप समझ लीजिए कि किस तरह से आजादी के बाद भी अगर दो देश हो गया, लेकिन तब भी इस देश में हिंदू मुस्लिम सबकी एकता रही है, और लेकिन इसके बाद भी इधर से उधर करने का सब शुरू हो गया है, तो इसीलिए सचेत रहना पड़ेगा हम लोगों को, कोई भी धर्म को मानने वाले हो, किसी भी जाति के हो, सबको एकजुट करके देश को आगे बढ़ाने का हम लोगों के पार्टी के अंदर भी और सब कुछ हुआ। परंतु में पिछले वर्ष ही अलग होने का हम लोगों ने निर्णय ले लिया और उस पर बिहार में 7 पार्टियां एक साथ हो गई और मिल करके हम लोग आगे का काम कर रहे हैं। तो बिहार में तो हम लोगों का संकल्प है कि हम लोग भारी संख्या में लोगों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, हम लोगों ने तो घोषित कर दिया है कि हम यहाँ 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे और 10 लाख लोगों को रोजगार का अवसर देंगे, हर चीज के विकास का,
हर इलाके के विकास का, और फिर जो बिहार बाढ़ से और सुखाड़ से प्रभावित होता है तो उसकी सुरक्षा के लिए भी, और सब लोगों से मिल करके बात। और इस बार जो हमने यात्रा कर दी 4 जनवरी के बाद से ही और 16 तारीख तक हर जिले में गए, विभिन्न जगहों पर जाकर के देखा, तो देख करके मुझको खुशी हुई कि जो कुछ भी काम हम लोगों ने किया, महिलाओं को आगे बढ़ाने का, गरीब गुरबे के तबकों को आगे बढ़ाने का, ये खुशी हुई कि अरे भाई बिहार में जिस तरह से लोगों के बीच में और महिलाओं के लिए जो काम हुआ है और गरीब तबके के लोगों के लिए जो काम हुआ है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जितने भी अन्य जातियों के लोग हैं, अन्य धर्मों के लोग हैं, सबके कल्याण के लिए काम किया जा रहा है, तो जो कुछ भी हमने देखा सबकी खुशी नजर आई। और जितनी बड़ी संख्या में हर जगह हमने देखा कि महिलाएं मिल रही हैं और अपनी बात कह रही हैं, तो ये स्थिति सब कुछ हो रहा, तो हमने जो फैसला ले लिया कि अब नए ढंग से हम लोग आगे बढ़ाएंगे, तो जितना लोगों को खुशी थी ये और ज्यादा एकदम आप लोग जान लीजिए अच्छी तरह, सब लोगों को प्रसन्नता हो गई है और काम जो चल रहा है यहाँ उसके लिए खुशी। तो अब हम लोग एकजुट करके चलिएगा तो आप जान लीजिए नतीजा क्या होगा, और देश जो सही दिशा में चलना चाहिए चलेगा, और समाज में एकता रहेगी, कभी इधर उधर नहीं होगा। और जिस तरह से बिना मतलब का यहाँ पर कोशिश हो रही है, हर चीज में होता है, जरा सा भी कोई कह देता है कि साहब इस समय बड़ा गड़बड़ हुआ तो तुरंत उस पर शुरू हो जाता है कार्रवाई। ये क्या है मामला, आज तक कभी होता है? तो इसीलिए याद रखिए, मिलजुल करके सोच लीजिएगा। और भाई माले के लोग हैं तो माले के लोग का तो हम इज्जत करते हैं, स्वागत करते हैं, भाई हम तो आप लोगों के पक्ष में, अब आप लोग भी सोचिएगा जैसा मन से वैसा करिएगा, हमारी तो इच्छा है सब एकजुट करके लड़िएगा, बहुत आगे बढ़िएगा। और एक बात हम बार बार कह रहे हैं, हमको व्यक्तिगत रूप से कोई ख्वाहिश नहीं है, हमारी एक ही ख्वाहिश है कि देश को एकजुट कर देंगे और गलत करने वालों से देश की मुक्ति हो, हम और कुछ नहीं चाहते, अपने लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, यह अच्छी तरह जान लीजिए, हमको नहीं कुछ चाहिए। आप बिना मतलब का नारा लगाने लगता है सर, हम मना करते हैं वो अलग बात है, कोई करेगा, लेकिन हमारी कोई इच्छा नहीं, हमारी तो इच्छा है सब एकजुट करके होंगे, हम मिल करके, हमको हमारी इच्छा नहीं है, और किसको भी लगाना हो लगाइएगा, नेतृत्व करेगा, और हम लोग तो जब तक जीवित हैं आप सब लोगों का पूरा सहयोग करेंगे ताकि काम करने में आपको सहूलियत हो, सुंदर हो। तो इसलिए जब आप आ गए हैं तो हम तो कहेंगे, अब आपके साथ जो आए हुए हैं वो पूरा बिहार को ठीक से जानते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं, आप भी आ गए हैं तो आप भी कह दीजिएगा यही कह करके, और आप हम लोगों को बुलाए, मैं आपका फिर माले का मैं इसके लिए अभिनंदन करता हूं, और हम सब दिन आपका स्वागत और इज्जत करते रहेंगे, अब पहले भी साथ चले थे, भूलिएगा मत।